तो कुछ लोग ना निठल्ले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं, है ना। हाँ कर रहा है सबसे ज़्यादा, और सबसे बड़ी हाँ की जो खुद ही बैठा रहता है ना, कुछ करता वरता है नहीं। कई बार मैंने समझाया, भाई देख तू तो शादीशुदा इंसान है, तेरे ऊपर कईयों की जिम्मेदारी है, बाल बच्चे हैं तेरे, वो बेचारी वाइफ है ना बेचारी, इसकी परेशान रहती है कि सर मतलब कोई ये भी सोचता नहीं, उन बच्चों की तरफ भी नहीं देखता कम से कम, चल मेरी तो कोई चिंता है नहीं, कम से कम इन बच्चों को ही देख ले। तो कुछ ऐसे इंसान जो खाली बैठे रहे, निठल्ले बैठे रहे, कुछ काम धंधा ना करे, उसको हम बोलते हैं सिट आइडल। क्या बोलते हैं उस काम को? खाली बैठने को, हाथ पे हाथ रख के बैठने को हम क्या बोलेंगे? सिट आइडल। फिर से बोलो। तो क्या आप भी खाली बैठे रहते हो? डू यू लाउडली वंस अगेन? नहीं सर, मैं तो खाली नहीं बैठा, लेकिन ये सर खाली बैठे रहते हैं। सलाह देंगे ना? ना 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 भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को। यू शुड नॉट लाउडली। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, इट्स ओके, डोंट वरी। अरे बहुत पैसा है, पैसे वैसे की कमी नहीं है। चल ठीक है भाई, मैंने कई बार उसको समझाया, भाई देख पैसे वैसे की कोई दिक्कत, आई हैव मैनी मनी नहीं होगा बेटा, आई हैव मच मनी बोलोगे, आई हैव सो मच मनी कह सकते हो। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। आपको सर मनी को तो हमने काउंट करते देखा है ना। एक बड़ा एक कन्फ्यूज सुन, देखो हाउ मच और हाउ मैनी, ये दो चीज़ें हैं। जब हम पूछे ना कितना या कितने, तो हमें लगाना होता है तो हाउ मच, या फिर लगाना होता है हाउ मैनी। हाउ मच हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ काउंट नहीं कर सकते हम, जिसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरा है हाउ मैनी। हाउ मैनी उसके लिए लगेगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो चीज़ काउंटेबल हो, काउंट करने के एबल हो, काउंटेबल, राइट। अब बहुत सारी चीज़ें अपने देखो आसपास, जैसे हमने कहा कि भाई सॉफ्ट बॉक्स है ना, इस सॉफ्ट बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं 1 एंड 2, है ना। ये अम्ब्रेलाज लगी हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। एसी लगे होंगे तो इनको काउंट कर सकते हैं सर, 1 AC, 2 ACs, 3 ACs, राइट। स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं, गॉट इट। तो किसी भी चीज़ को जब हम काउंट करेंगे तो काउंटेबल हो गया। तो जब काउंटेबल के बारे में पूछा जाएगा तो हाउ मैनी, और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? घास को काउंट नहीं कर सकते, बड़ा अच्छा आइडिया। गिन लो एक एक दो। तो सुनो आगे, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर आता बच्चों के मन में, सर मनी को भी तो काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हाउ मच क्यों लगाया? हाउ मैनी लगना चाहिए था। अब देखो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम उस चीज़ को नहीं काउंट करते, उसकी यूनिट्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूछा, मैंने कहा कि भाई जाओ चीनी लेके आ जाओ, आपने पूछा सर कितनी चीनी लेकर आऊँ? हाउ मच शुगर शुड आई ब्रिंग? फिर से बोलो लाउडली। मैंने कहा 2 किलो चीनी लेके आ जाओ, ब्रिंग 2 किलो। आवाज़ नहीं आ रही, ब्रिंग 2 kg शुगर। अब क्या हुआ, शुगर को आप काउंट करोगे? एक एक दाने को काउंट करोगे? एक दाना, दो दाना, तीन दाना, चार दाना, वहाँ उसको हम काउंट ना करके लाते हैं, तो हम ऐसे किलो के हिसाब से लेके आएंगे, है ना। या हम कह सकते हैं भाई इतने पाउच ले आना, इतने पैकेट ले आना, इतना किलो ले आना, तो हमने उसकी कुछ यूनिट्स बनाई हैं, या तो केजी में है या ग्राम्स में है, या हमने उस पैकेट को गिना है, लेकिन हमने किसको नहीं गिना? चीनी को नहीं गिना है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ऐसे अगर आप पानी की बात कर रहे हो, मैंने कहा पानी लेके आ जाओ, ब्रिंग वाटर लाउडली, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग सम वाटर, राइट। अब आपने पूछा सर कितना पानी लेकर आऊँ? लाउडली। सलाह ले रहे हैं, सब कुछ सीख रखा है, बस सेंटेंस बोलते रहा करो साथ साथ, कितना पानी लेकर आऊँ? अब यहाँ पर देखो वाटर को आप काउंट कर सकते हो। मैंने कहा 16 पानी लिया, 200 पानी लिया, ढाई पानी लिया, ढाई पानी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यू कैन नॉट काउंट वाटर। आप किसको काउंट नहीं कर सकते? वाटर को। यू कांट काउंट वाटर। तो पानी को हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं 2 गिलास पानी लिया, 3 गिलास पानी लिया, तो ग्लास को काउंट कर लिया हमने। या फिर हम इसके यूनिट्स की बात करें, भाई 2 लीटर पानी लिया, मेरी बात समझ में? तो उस लीटर को काउंट किया ना कि हमने पानी को। व्हेन इट कम्स टू मनी, तो मनी को, धन, धन को हम काउंट नहीं करते, एक धन, दो धन, तीन धन, अरे समझ बात। अब मनी के लिए हम यूनिट्स बनाते हैं, रुपीज़, कॉइन्स कह सकते हो, नोट्स कह सकते हो, सिक्के कह सकते हो, पैसे को काउंट कर सकते हो, डॉलर्स को काउंट कर सकते हो। अब आपके पास डॉलर्स भी हैं, हीरे जवाहरात भी हैं, सोना भी है, वो सब कुछ मिलाकर भी तो क्या है? मनी ही तो है आपकी, धन ही तो है आपका,
राइट, हमारी बात समझ में। काउंट तो हम उन यूनिट्स को करते हैं। अगर मैंने पूछा होता ना कितनी, मान लो 100 रुपये हैं आपके पास, अब 100 रुपये क्या है, एक मनी है आपकी, राइट, और वो किसी भी तो फॉर्म में हो सकती है। अगर मैं सिर्फ मनी कहकर पूछ रहा हूँ तो मेरे कितनी मनी आपके पास, कितना है ना, हाउ मच मनी डू यू हैव, वंस अगेन लाउडली, अब आप बताओगे सर आई हैव 100 रुपीज, क्या बोला आपने, वंस अगेन। अगर आप इसको पैसों में बताते तो फिर आप 100 नहीं बताते, राइट, क्योंकि 1 रुपये में क्या होते हैं हमारे, तो 100 पैसे होते हैं, क्या होते हैं, पैसे होते हैं ना। अब 100 पैसों को गुना करोगे 100 से तो 100 पैसे नहीं रहे ना, 2 जीरो और बढ़ा दोगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसमें पैसों को काउंट किया, दूसरे वाली कंडीशन में आपने रुपयों को काउंट किया था, तो रुपये या हो सकता है डॉलर्स की अगर हम बात करें, राइट, 70-75 के आसपास का 1 डॉलर होता है, तो देखा जाए तो आप डॉलर तो 100 भी नहीं बता सकते। जैसे आपने 100 रुपीज़ कहा था, उसमें तो लगभग 1.5 डॉलर के आसपास बना आपके पास, है ना, एग्जैक्ट तो आप निकाल लेना डिवाइड करके। तो पूछा भाई हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आप बताओगे सर 1.5 डॉलर है, या 2 डॉलर है, या 3 डॉलर है, उन 1.5 डॉलर में क्या हो रहा है, आपका 100 रुपये हो रहे हैं। तो अलग अलग यूनिट्स को हम काउंट करते हैं, कोई इसको डॉलर कह देता, कोई रुपये कहे, कोई पैसे कहे, अलग अलग बना रखी है हमने, गॉट इट। तो हम यूनिट को काउंट करते हैं ना कि मनी को। उसके अलावा नोट्स को काउंट कर सकते हो, उसकी यूनिट्स हैं। अब जैसे 100 रुपये की मैंने बात करी थी, राइट, अब जो 100 रुपये हैं वो हो सकता है 1-1 के 100 सिक्के हों आपके पास। आई हैव 100 कॉइन्स, क्या बोलोगे, कॉइन्स को काउंट किया है ना, मनी को तो नहीं किया, राइट, लाउडली आई हैव 100 कॉइन्स। लेकिन हो सकता है 10-10 के 10 ही नोट हो, सो आई हैव 10 नोट्स, अभी भी 100 रुपीज़ हो रहे हैं। हो सकता है 50-50 के 2 हों, आई हैव 2 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, राइट। तो समझ में आ रहा है ना, तो यूनिट्स को काउंट कर रहे हैं ना कि मनी को। तो इसलिए मनी तो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल ही होता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। लेकिन उसकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो हम हाउ मच लगा देंगे। जैसे कि हमने दूध की बात की, तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल है। कितना दूध पी लेते हो आप, हाउ मच मिल्क डू यू टेक या ड्रिंक, जो भी आप लगाना चाहो, राइट। सर मैं ना 2 दूध पीता हूँ, सही है, तो किलो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, सर मैं 2 किलो पी लेता हूँ, आई ड्रिंक 2 kg मिल्क। तो किसको काउंट किया, अपने दूध को काउंट किया, केजी को काउंट किया है, है ना। हालांकि वैसे केजी वेजी में हम किलो में भी, सुनो मेरी बात, हालांकि हम केजी में नाप लेते हैं हम लोग, लेकिन दूध वगैरह लिक्विड है ना, केजी में नहीं, लीटर में ही नापना चाहिए, है ना। किलो में भी नापते हैं कुछ लोग, 1 किलो दूध, 2 किलो जब दूध लेने हम चाहते हो, लेकिन केजी में नहीं नापना चाहिए, उसको लीटर में ही नापना चाहिए। उसके लिए लिक्विड के लिए लीटर यूनिट बनाई गई है, जो सॉलिड चीज़ें हैं उनको नापने के लिए हमने केजी बनाया है, गॉट इट। एक फिर भी लोग केजी में कर लेते हैं, बाकी हम लीटर कहना चाहे, 2 लीटर दूध पीता हूँ सर मैं, या फिर आप कह सकते हो सर मैं 2 ग्लास दूध पीता हूँ। अब 2 ग्लास मिल्क जो है आपका, 2 ग्लास दूध है जो, अब उसमें हो सकता है बड़े ग्लास और छोटे ग्लास, मतलब 2 ग्लास, ग्लास को तो काउंट किया ना आपने। सर मैं 1 बाल्टी दूध पीता हूँ, अब हो सकता है उस 1 बाल्टी में कितने ग्लास आ रहे हो, 100 ग्लास आ रहे हो आपके। तो हम बाल्टी को, ग्लास को, लीटर को, किलो को, इनको काउंट कर रहे हैं, ना कि दूध को। अगर हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं दूध से रिलेटेड ही, अगर हमने मिल्क लगा दिया तो हाउ मच लगाना है, लेकिन उसके साथ हमने यूनिट लगाई है तो हमें हाउ मनी लगाना है। अगर हमने बोला कि कितना लीटर दूध पी लेते हो आप, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मैनी, क्योंकि लीटर्स की बात की मैंने, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन यू ड्रिंक, या फिर डू यू ड्रिंक, राइट। तो हाउ मैनी लीटर्स बोला मैंने, और मैंने सिर्फ बोला तो कितना दूध पी लेते हो, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, या फिर डू यू ड्रिंक, गॉट इट। तो ये होता है हाउ मच में और हाउ मनी में डिफरेंस। अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना, एनी ऑफ यू। तो कितने रुपये हैं आपके पास, कैसे पूछेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव, वंस अगेन लाउडली, ओके, कितने नोट हैं आपके पास, क्या बोला था, हाउ मच नहीं लगाया था ना, हाउ मनी नोट्स डू यू हैव, कितना दूध पीते हो आप, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक या टेक, राइट। अच्छा ये तो क्या, हाउ मच मिल्क, कितने ग्लास दूध पीते हो, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क, ग्लासेज, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक, राइट। आगे से हाउ मच हाउ मैनी कन्फ्यूज नहीं होगी।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ, तो प्लीज़ यार कर दो, एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।